সোমবার রাজ্য সফরে আসেন কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। মহাকরণে এদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বিস্তারিত জানান। और मैं यहाँ आकर के जो अनुभव किया है कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार द्रुत गति से लोगों को कैसे सुविधा मिले इसका पूरा ध्यान रख करके लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से इसके लिए बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उस विजन के अनुसार इस राज्य को हमारे मंत्रालय के द्वारा जितना अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम को सही ढंग से गति देने के दृष्टि से सहयोग मिले, ये आज हमने बातचीत भी किया है और हमने ऐसे कई योजनाओं को स्वीकृत भी किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के मंत्री ने कुछ विषयों को और लाया है, उसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे अभी हमने लगभग इन दो वर्षों की जो कार्य योजना में यदि आप देखेंगे तो अभी लगभग 15 ऐसे एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल जो है बनने के लिए तैयार हो रहा है और सब जगह कई जगहों में कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इससे त्रिपुरा को बहुत लाभ मिलेगा। उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राइबल गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स हैं उसको काफ़ी लाभ होगा और ये इस राज्य के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इन सारे कार्यों को जहाँ जमीन की आवश्यकता है वहाँ बहुत अच्छे ढंग से राज्य सरकार इस कार्य में लगी हुई है। और मैं अभी कुछ फील्ड विजिट करके आया, वहाँ पर भी देखा के कार्य बहुत प्रगति पर है। उनका पॉजिटिव राय था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्री है और आज के दिन में त्रिपुरा के लिए अच्छा है। दो दो केंद्रीय मंत्री दोनों का नाम है अर्जुन है, दोनों ही अर्जुन है, तो दोनों ही अर्जुन आए हैं तो अर्जुन का बाण विफल होता नहीं। तो इसलिए मुझे विश्वास है अर्जुन मेघवाल जी और अर्जुन मुंडा जी दोनों आज आए हैं और इससे त्रिपुरा को डेवलपमेंट में जो हमने काम शुरू किया था उसको बल मिलेगी, लाभ होगा।